स्टार्टिंग होती है मोटे से ब्लॉग की, है ना? चले तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज निकले हुए थे ऐसे ही थोड़ा बहुत कंटेंट शूट करने, शाम के 6:21 हो रहे हैं एंड हमने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लिया जाए क्योंकि डेली ब्लॉगिंग इधर हो नहीं पा रही, बहुत सारे काम हैं जिनकी वजह से मैं बिजी रह रहा हूँ, तो डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था इस चैनल के लिए। तो आज हमने सोचा क्यों ना शाम में थोड़ा सा टाइम मिला है, इनके ऊपर की बैटरी भी 32% है, तो 32% में हम एक छोटा सा ब्लॉग तो कंप्लीट कर ही सकते हैं एंड आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाएगी तो और ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बातचीत करने में ही असली मज़ा है। तो निकले हैं हम गोमती नगर साइड एंड गोमती नगर साइड इस चनार का, अपनी पुष्पा का ले रहे थे थोड़ा सा मज़ा एंड आप तो जानते ही हैं कि इस बाइक को राइड करते करते पब्लिक रिएक्शन कितने तगड़े मिलते हैं एंड बाकी अपने जो नए नए गैजेट्स मैंने मंगाए हैं उनको भी मैं टेस्ट कर रहा था। इंस्टा 360 आ गया है, कैमरा आ गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अपना सारा का सारा सेटअप। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद सिर्फ एक चीज़ बचेगी, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। पुष्पा, आई लाइक ट्रैवलिंग एंड पुष्पा विल हेल्प मी इन दिस, क्योंकि अगली ट्रैवलिंग जो होगी वो पुष्पा के साथ ही होगी, बहुत ही तगड़ी जगह है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, बस मान के चलो 10 से 15 दिन मैक्स इसी में अपन ट्रैवलिंग शुरू कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा मौसम इधर जो है वो गड़बड़ा रहा था, बारिश वारिश आ रही थी तो इसीलिए रुके हुए कि ये मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, वापस से धूप वूप निकलने लगे तब निकला जाए, क्योंकि बारिश में अगर भीग गए, आंधी तूफानों में भीग गए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे अभी केदारनाथ होके आए हम तो सही से आ गए बारिश में, लेकिन भाई इस टाइम वहाँ हो रही है बर्फबारी, बर्फ़ गिर रही है भाई, ओले पड़ रहे हैं, इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। इस टाइम जाने वालों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन भक्तगढ़ वहाँ से टस से मस्त नहीं हो रहे हैं भाई लाइनों से। हमने कई सारे व्लॉग उसके बाद देखे कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी होने के बाद भी भक्त लोग एकदम टाइटली एकदम खड़े हुए हैं कि भाई भोलेनाथ आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। एक सौ छियासी भाई, पता नहीं कितना गई। अरे अरे जाओ सर, पार कर लो, इतना क्यों परेशान हो। पीछे जो पिलियन बैठा है थोड़ी देर बाद उसके रिएक्शन लेंगे कि कैसा लगा उसे पिलियन पे बैठ के। दो लोग पीछे रह गए हैं। तो भाई कैसा लगा पीछे पिलियन पे बैठ के? देखो कैमरे में आके बोलूंगा, इनके पीछे एक बार जितने भी लोग देख रहे हो एक एक बार बैठ के देखो। तो ये बताए इनकी आदत ऐसे 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 चल रहे, फिर ऐसे ऐसे जरूर होगा, तभी तो मजा आती है। चलो भाई चले। अरे भाई क्या यार, लड़का तक डर गया भाई, लड़का तक डर गया, लड़की तो बात ही छोड़, वो छुप गया तुरंत पीछे। हम कहे अगर ऐसा कुछ हो सामने से तो पीछे छुप गया, जाओ तुम मरो पहले। कह रहे एग्जॉस्ट लगने के बाद क्या होगा भाई, लगने के बाद जो हरिका था आगे किया था वो कूद के बाहर ही चला जाता रोड के, यही मेरा हाथ टूट जाता है। बस मुझे इसको टेना उसके BMW के साथ भगाना है और BMW से हारना है, क्योंकि वही एक इसे हरा सकती है। अरे भाई ये अंकल डर गए, अंकल डर गए। चलान हो गया भाई लाइन से, हमारा भी कर दो। नया ऑर्डर आया उसके थ्रू है ये कि आप रोड पर गाड़ी नहीं लगा सकते, भाग के जा रहे हैं बचाने चलान, यहाँ पर रिएक्शन है भैया। अरे अरे डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं भाई। अरे भाई बहुत तगड़ा घबरा गई। भाई सबको डराओगे क्या? भाई
एग्जाम लगने के बाद तो यार काम हमको तो गाइस चलते चलते ऐसे एक दो लोग को हमने डरा दिया, थोड़ा बहुत डर गए वो लोग। मतलब जितनी बार हम बगल में जाके थ्रॉटल ले रहे थे उतनी बार वो लोग उचक जा रहे थे। बहुत सारे लोग डरे, जैसे ये है देखो, डरेंगे जरूर, हल्का फुल्का तो रिएक्शन आता ही आता है, ऐसा एग्जॉस्ट है। हालांकि अभी स्टॉक लगा हुआ है, अगर इसमें मैंने स्कॉर्पियन एरो एआर ये सब डलवा दिया तब तो फिर हम एक काम करो, पहले हम पेपर देखें हमारे पास है कि नहीं है। पुलिस वाले अंकल वो देखो खड़े हुए हैं, चलो भैया पेपर सारे हैं, पुलिस वाले अंकल हमें रोकेंगे अभी, ये पक्का है। हाँ भाई हमको रोक रहे हो, आओ रोकना है। हाँ अंकल रोक ही रहे हैं हम। अरे सर हैं, रुको, नहीं सर आप देख चुके हैं एक बार, आज मैं पेपर भी फोटो भी खींच के रखा हूँ उस दिन से मैं, ये देखिए ठीक है, सारे पेपर मैंने फोटो खींच के रख लिए थे। अभी तो लौटा सर मैं, गया था घूमने, दो दिन हुए मुझे, वही सेम एग्जॉस्ट है मेरा, कोई चेंज नहीं है। चलो बैठो, ये पहचान गया हमको भाई, ये सर जो है ये हमको पहचान गए बढ़िया से, कह रहा हूँ भाई वही हो, अरे सर आप ही तो रोकते हो मेहर बात। देखा भाई एकदम पौकाल जैसे इस बार तो है, लेकिन मेरी मेरी बाइक का थ्रॉटल जरूर खींच के देखते हैं ये। लास्ट टाइम ना ये बहुत ज्यादा मतलब इनको लग रहा था कि बाइक से चलाना चाह रहा है, ऐसा कुछ करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा बोला नहीं क्योंकि ड्यूटी पे थे ये, लेकिन इनको मजा आ रही थी बाइक देख के सब। अरे ये छोड़िए सामने मजा देखिए कितना लंबा है, आज इतना लंबा जाम क्यों लगा, उधर वाला वो बंद है ना पुल। अच्छा हाँ। सारा ट्रैफिक इधर आ गया है। सो गाइस आज फिर बच गए हम, एग्जॉस्ट नहीं था हमारे पास इसीलिए हम बच गए, अगर एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट लगा होता तब तो फिर कहानी सेट थी अपनी। लेकिन अब शहर में भी घूमने में आने लगा है मज़ा पुष्पा से, बस थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाता है तो थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि गाड़ी हीट होने लगती है, लेकिन बाकी सब ठीक है, चलता है इतना। आज बहुत मज़ा लिया हमने बाइक का, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने इस बाइक को। अरे भाई ये क्या है, लाल लाल थार भाई, क्या लग रही है, पूरे अलॉय चेंज है एकदम, बहुत ही गजब लग रही है। और इधर जा रही है जगुआर भाई, ये सब तो अभी भी मेरे ड्रीम है, एक टाइम पे मुझे थार भी लेनी है क्योंकि अपने को ट्रिप करनी है, तो सपने अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सपने पूरे हो चुके हैं, अभी सपने कुछ कंप्लीट हुए हैं कुछ बाकी हैं, एंड कुछ पे काम चल रहा है कुछ पे मेहनत चल रही है। इसको चलाने में अलग ही फील आता है यार, चाहे जब चलाओ चाहे जितनी बार चलाओ हर टाइम सेम फील आता है। लीडर क्लास बाइक का यही अपना फील है कि अगर आप लीडर क्लास बाइक कोई भी चला रहे हो, इंस्टेंट जरूरी नहीं कि यहाँ सड़क तनारी हो, कोई भी लीडर क्लास बाइक चला रहे हो तो आपको सेम फील मिलेगा शहर के अंदर, नो डाउट कि यहाँ कोई अलग डिफरेंट फील देने वाला है। हाँ ये थोड़ी स्पोर्टी ज़्यादा है, भूजा होती तो थोड़ा सा क्रूजर टाइप होती क्योंकि वो स्पोर्ट्स टूरर है, तो इसी तरह, लेकिन फील उसमें भी आता है, बहुत तगड़े से फील आता है, बहुत गदर आता है। एंड इसी तरह BMW S1000 RR का भी अपना अलग भौकाल है, उसका तो भाई क्लास ही अलग है क्योंकि BMW है वो, BMW है। एंड BMW का एक छोटा सा अगर लोगो भी आप परचेज़ करते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है जो यहाँ पे लगता है,
जो आगे यहाँ पर BMW का छोटा सा लोगो होता है ना, उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये है भाई साहब, समझ रहे हो ना। तो वो तो महंगी बातचीत हो जाती है, बट टेनाल लेने के बाद से ना मुझे ऐसा लाइफ में लगा कि हाँ, मैंने डिसीज़न जो मेरा था, जिसकी वजह से मैं इतने दिन से रुका हुआ था कि नहीं 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 नहीं, तू 200 cc से मुझे डायरेक्ट 1000 cc लेनी है एंड बीच में कदम नहीं रखना है, वो मेरा जो सोच थी वो सही थी। एंड इसको लेने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरा डिसीज़न बिल्कुल परफेक्ट था। सो गाइस, फाइनली पुष्पा की राइड लेके अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। एंड आप लोगों ने देखा कि पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया था, एंड मेरे पास इस बार सारे पेपर थे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया, मैं उनके पास गया था। एंड फाइनली कुछ नहीं किया उन्होंने, बस हल्का फुल्का ऐसे एक्सीलेटर लेके मज़े लिए एंड हमें जाने दिया। एंड इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ अपने नए रूम से, जहाँ पर मैं बैठ के अब एडिटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि ये रूम मैंने एडिटिंग के लिए बनवाया है। एंड थोड़े बहुत जो मुझे शूट करने होते हैं वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। पहले मेरे पास प्रॉपर रूम नहीं था, आप लोगों ने देखा कि कैसे कहाँ बैठ के एडिटिंग करता था एंड सारा सामान बिखरा पड़ा रहता था। तो वो सारी चीज़ें सही करने में लगा हुआ हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएं फिर अपने ब्लॉग्स डेली हो जाएंगे, अभी डेली नहीं आ पा रहे हैं। बाकी आपको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ, वो पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये AC वगैरह सब लग गया, ऊपर लाइट वगैरह लग गई है, अभी ये दरवाज़ा चेंज होना बाकी है एंड थोड़ा बहुत काम है जो अभी बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा, तो आपको पूरा फुल रूम टूर दूंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक यहाँ पे हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फटाफट फॉलो करो यार, चलो बाय बाय।